नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। CGPSC CG व्यापम में इससे जो है प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके कहा, इस कारण से मैं बना रहा हूं। और वीडियो जो है काफी देर से आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने यहाँ अधिकतर उन शब्दों को लिया है जो CGPSC और CG व्यापम में पूछे गए हों। इसके अलावा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, मैंने उन शब्दों को भी यहाँ लिया है। आपके पास जो भी छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो भी पुस्तक हो आपके पास, उसमें जितने भी छत्तीसगढ़ी शब्द दिए हों, आप उन सबको एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। तो हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो मैंने लिखा है। पहला मैंने लिखा है खोतली। खोतली, खोतली का मतलब होता है हिंदी में नारियल का कड़ा छिलका। नारियल का जो ऊपरी वाला जो छिलका होता है, जिससे रस्सी वगैरह बनता है, उसके बाद अंदर में जो कठोर वाला जो होता है नारियल का छिलका, उसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? खोतली। याद रखेंगे, नारियल का कड़ा छिलका। ये CGPSC में पूछा था एक बार। अगला देखते हैं धुर्रा। धुर्रा छत्तीसगढ़ी में धूल को कहा जाता है। अगला है लबारी, इसका मतलब होता है झूठ। फिर है फरिया। फरिया ये होता है कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा फरिया। वही अगला मैंने लिखा है फरीका। ये फरिया मतलब कपड़े का टुकड़ा, उसके बाद अगला फरीका। फरीका मतलब दरवाजा। उसके बाद है पनही। पनही जो है छत्तीसगढ़ी में जूता को कहा जाता है, जूता या चप्पल को पनही। उसके बाद है पगरेत। पगरेत का मतलब होता है वर का पिता, अभिभावक, पेरेंट्स कह सकते हो आप। उसके बाद है पताल। पताल का मतलब होता है टमाटर। देखिए, यहां से जो पताल से जो है सारी सब्जियां शुरू हो जाएंगी, तो पताल का मतलब होता है टमाटर। याद रखेंगे, टमाटर को छत्तीसगढ़ी में पताल कहा जाता है, पूछा गया है। उसके बाद है रमकेलिया, ये भी पूछा गया है, इसका मतलब होता है भिंडी। फिर है कोचई, जो कि हिंदी में अरबी, अरबी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कोचई। अगला है करिल। करिल ये बांस की कली को कहा जाता है, मतलब कि जब बांस जब छोटा रहता है तब उसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? करी, कच्चा बांस या बांस की कली। उसके बाद है ढेंस। ढेंस छत्तीसगढ़ी में कमल ककड़ी को कहा जाता है। उसके बाद है गोंदली। गोंदली कहा जाता है प्याज को। याद रखेंगे, ये सब पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मुरई। मुरई जो है मूली को कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, तो ये जो है सारा सब्जियां था, यहां तक ये पताल से लेकर के ये पूरा सब्जियों के नाम थे। अब अगला देखते हैं हम, यहाँ जो है जानवरों के नाम है इस तरफ। तो पहला है कोलिहा। कोलिहा तो कोलिहा छत्तीसगढ़ी में सियार को कहा जाता है, याद रखेंगे सियार। उसके बाद है खेखरी। खेखरी ये होता है लोमड़ी। उसके बाद है हुडरा मतलब कि भेड़िया। याद रखेंगे, सियार, सियार को क्या कहेंगे? कोलिहा। लोमड़ी को कहते हैं खेखरी, भेड़िया को हुडरा। उसके बाद है कोटरी। कोटरी हिरण को कहा जाता है। उसके बाद याद रखेंगे, ये बचरू और बटरू, ये मतलब एक ही है, बचरू अथवा बटरू। ये किसको कहते हैं? गाय के बच्चे को, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बछरू या बटरू, याद रखेंगे। उसके बाद है पंडरू। पंडरू भैंस के बच्चे को कहा जाता है। गाय के बच्चे को बछरू या बटरू, और भैंस के बच्चे को पंडरू, याद रखेंगे। उसके बाद है छेरी, ये भी कई बार पूछा गया है। छेरी जो है बकरी को कहा जाता है, इसको जो है छेरी के अलावा छेरिया भी कहा जाता है, छेरिया बकरी। उसके बाद है मुसुआ। मुसुआ जो है चूहा को कहा जाता है। फिर है बेंद्रा मतलब कि बंदर। अगला देखते हैं कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता, याद रखेंगे ये सब। उसके बाद है बोकरा। बोकरा जो है छत्तीसगढ़ी में बकरा को कहा जाता है। फिर है कुकरा। देखिए, ये जो है लगभग समान अर्थ समान निकल रहा है, बोकरा कुकरा। फिर आगे मैंने लिखा है कोकड़ा, ये कुकुर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुकुर कुत्ते को कहा जाता है, बोकरा बकरा को कहा जाता है, कुकरा मुर्गा को कहा जाता है। वही अगर हम मुर्गी देखें, मुर्गी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अगर हम मुर्गी देखें तो मुर्गी को क्या कहेंगे? कुकरी। देखिए, मुर्गा मुर्गी, वैसे ही कुकरा कुकरी। उसके बाद है कोकड़ा। कोकड़ा मतलब बगुला। फिर है घुघवा। घुघवा ये उल्लू को कहा जाता है, घुघवा। फिर है गिदराई। गिदराई मतलब चमगादड़, इसको जो है चमगिदड़ी भी कहा जाता है, चमगादड़ को गिदराई, याद रखेंगे। ये शरीर के अंगों के नाम है। तो देखते हैं, पहला है नख।
तो नख नाखून को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं खांद, खांद जो है कंधा को कहा जाता है। फिर है बोर्री, बोर्री या बोडरी ये जो है नाभि को कहा जाता है। फिर है गोड़, गोड़ जो है छत्तीसगढ़ी में पैर को कहा जाता है। फिर है माड़ी, माड़ी ये घुटना को कहा जाता है। फिर चेथी, चेथी याद रखेंगे, चेथी जो है गर्दन का जो पिछला भाग होता है, गर्दन का जो पीछे वाला भाग होता है उसको छत्तीसगढ़ी में चेथी कहा जाता है। फिर है घेंच, ये जो है गर्दन को घेंच कहा जाता है। फिर है कनिहा, कनिहा ये कमर को कहा जाता है, कनिहा। उसके बाद है थोथना, ये जो है चेहरा को छत्तीसगढ़ी में थोथना कहा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ कुछ फलों के नाम लिखे हैं मैंने नीचे, यहां से बीही अथवा जाम, याद रखेंगे बीही अथवा जाम, ये अमरूद को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, अमरूद को बीही अथवा जाम। उसके बाद है अरम पपई, अरम पपई किसे कहते हैं, पपीता को। उसके बाद है अटर्रा, याद रखेंगे अटर्रा ये मोटी नींबू को कहा जाता है, अटर्रा। उसके बाद है केकरी, केकरी जो है ककड़ी को कहा जाता है। फिर है डरमी, डरमी जो है छत्तीसगढ़ी में अनार को कहते हैं, मतलब कि अनार छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, डरमी। उसके बाद है चिरई जाम, चिरई जाम क्या होता है, ये जामुन जो काला जाम होता है ना छोटा, उसको क्या कहते हैं, चिरई जाम। उसके बाद है बोईर, बोईर जो है बेर को कहा जाता है। फिर है अमली, अमली जो है छत्तीसगढ़ी में इमली को कहते हैं। अब देखते हैं आगे, इस तरफ जो है मैंने रिश्ते नाते लिखा है। पहला है दाई अथवा दूधदाई अथवा महतारी, मतलब कि दाई दूधदाई महतारी, ये छत्तीसगढ़ी में माता को कहा जाता है। तो माता के लिए तीन शब्द, दाई दूधदाई महतारी। इसके अलावा माई अम्मा ये शब्द भी होते हैं। उसके बाद है ददा, ददा पिता, पिता को जो है छत्तीसगढ़ी में ददा कहा जाता है। वहीं आगे देखते हैं बाबा, जो दादाजी होते हैं उनको बाबा कहा जाता है, जो पिता होंगे उन्हें ददा और जो दादाजी होंगे उनको बाबा, बाबा नहीं है ये बाबा। उसके बाद दादी, दादी को क्या कहेंगे, डोकरी दाई अथवा बूढ़ी दाई, याद रखेंगे। उसके बाद है कका और काकी, देखिए ये है चाचा और चाची, चाचा को कका और चाची को काकी। अब यहां जो है चाचा को कका कहा जा रहा है तो चाची को ककी ये नहीं होगा, काकी कहेंगे, चाचा को कका चाची को काकी। उसके बाद है भौजी, इसका मतलब होता है भाभी, मतलब कि बड़े भाई की पत्नी, भौजी। उसके बाद है भाटो, मतलब कि जीजा, बहन का पति। उसके बाद है भतार, भतार अथवा मोसा, भतार अथवा मोसाइंदा, जो कि पति को कहा जाता है। इसके अलावा पति को और क्या कहा जाता है, डौका, याद रखेंगे डौका, भतार मोसाइंदा। उसके बाद है पत्नी, तो पत्नी के लिए है गोसाइन, पत्नी के लिए गोसाइन। इसके अलावा पत्नी को क्या कहा जाता है, डौकी भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है टूरा और टूरी, तो ये जो टूरा और टूरी, टूरा जो है वो लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है, लड़का बालक, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, टूरा, और टूरी लड़की के लिए, बालिका अथवा लड़की के लिए टूरी, याद रखेंगे टूरा लड़का, टूरी लड़की। उसके बाद है डेढ़ सास, डेढ़ सास किसे कहते हैं, जो पत्नी की बड़ी बहन उसको क्या कहलाएगी, डेढ़ सास, मतलब कि पति की वो क्या लगेगी, डेढ़ सास, पत्नी की बड़ी बहन तो वो क्या कहलाएगी, डेढ़ सास। उसके बाद है डेढ़ सारा, पत्नी का बड़ा भाई, पति का क्या कहलाएगा, डेढ़ सारा, पत्नी का बड़ा भाई, ये पति के लिए है ये दोनों, ये सब पति के लिए चारों, ये चारों जो है पति के लिए, मतलब कि जो पत्नी की जो बड़ी बहन होगी वो पति की क्या कहलाएगी, डेढ़ सास, और जो पत्नी का जो बड़ा भाई होगा वो पति का क्या कहलाएगा, डेढ़ सारा। उसके बाद है सारा सारी, जो साला और जो साली होते हैं उनको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, सारा और सारी, याद रखेंगे साला को सारा और साली को सारी। उसके बाद है साढ़ू, तो साढ़ू पति, साढ़ू पत्नी की बहन का पति को साढ़ू कहा जाता है, मतलब कि मान लीजिए दो बहनें हैं, उनकी शादी जिनसे भी होगी वो आपस में क्या कहलाएंगे, साढ़ू भाई कहलाएंगे, मतलब कि पत्नी की बहन का पति क्या कहलाएगा, साढ़ू, याद रखेंगे ये चारों पति के लिए है। उसके बाद है समधी और समधिन, तो ये जो समधी मतलब जो पति पत्नी है उनके जो पिता होंगे, दोनों के पति के पिता और पत्नी के पिता, तो आपस में क्या कहलाएंगे, समधी,
और जो उनके जो माताएं होंगी, पति की माता और पत्नी की माता, वो क्या कहलाएंगे? समधी, याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं जाता। तो जाता किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में? चक्की, जिससे अनाज वनाज पीसा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जाता, चक्की। उसके बाद है बहरी, बहरी मतलब झाड़ू। उसके बाद है झउआ, झउहा। उसके बाद है झउआ, झउआ का मतलब होता है टोकरी, जो बांस वांस से जो भी टोकरी बनता है उसको क्या कहते हैं? झउआ। उसके बाद है मुड़सरिया, मुड़सरिया का मतलब होता है तकिया, तकिया जो सिर में लगाया जाता है सोने के समय में, उसको क्या कहते हैं? मुड़सरिया। उसके बाद है छेना, छेना जो कि गोबर से तैयार होता है, उसे का जो कि कंडा कहा जाता है जिसको हिंदी में, तो उसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? छेना, याद रखेंगे। उसके बाद है कनकट्टा, कनकट्टा मतलब टिड्डा, टिड्डा को कनकट्टा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। उसके बाद है मेकरा, मेकरा मकड़ी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। उसके बाद है गेंग, गेंगरुआ, गेंगरुआ ये क्या है? गेंगरुआ, गेंगरुआ छत्तीसगढ़ी में केंचुआ को कहा जाता है, केंचुआ। उसके बाद अगला है मुखारी, मुखारी का मतलब होता है दत्तुन, जिसे दांत साफ किया जाता है, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मुखारी। उसके बाद सुग्घर, ये जो सुग्घर है ये एक विशेषण शब्द है, मैंने इसको भी यहाँ लिया है, पूछा गया है कई कुछ परीक्षाओं में, तो सुग्घर का मतलब होता है सुंदर, मतलब कि कोई सुंदर वस्तु है तो उसको क्या कहेंगे? सुग्घर। उसके बाद है चंट, चंट का मतलब होता है चालाक। फिर है भोकवा, भोकवा छत्तीसगढ़ी में मूर्ख को कहा जाता है, मतलब कि जो अज्ञानी होता है उसको क्या कहेंगे? भोकवा। और ये जो भोकवा शब्द है ये मेल के लिए प्रयोग होगा, मतलब कि ये एक पुल्लिंग है भोकवा, वहीं अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाए किसी लड़की के लिए तो वो भोकवी, याद रखेंगे, मतलब मूर्ख। इसके अलावा एक और शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है जोजवा, मूर्ख के लिए। उसके बाद है नानकुन, नानकुन मतलब छोटा, छोटा बच्चा को भी नानकुन कह सकते हैं, कोई छोटी वस्तु है तो उसको भी नानकुन कह सकते हैं। उसके बाद है मयारू, मयारू का मतलब होता है प्यारा अथवा प्यारी, मतलब कि कोई प्रिय वस्तु है या कोई व्यक्ति है, कुछ भी हो, प्यारा अथवा प्यारी, मयारू। उसके बाद है फोसवा, फोसवा अथवा हरू, ये क्या होता है? हल्का, जो मतलब कि ज्यादा भारी ना हो, हल्की वस्तु, वो क्या है? फोसवा अथवा हरू। उसके बाद है सोनहा, सोनहा ये सुनहरा को जो है सोनहा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। उसके बाद है गरु, गरु ये भारी, कोई मतलब भारी वस्तु है, कोई भी चीज है भारी, तो उसको क्या कहेंगे? गरु। मैंने लिखा है यहाँ तित्रा और तित्री, तित्रा और तित्री। तो तित्रा क्या होता है कि जो तीन लड़कियों के बाद जन्म लेने वाला पुत्र को तित्रा कहा जाता है, मतलब कि किसी के यहाँ तीन लड़कियां एक साथ जन्म हुई, मतलब कि आगे पीछे पहली लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई, तीसरी भी लड़की हुई, उसके बाद जो चौथी जो संतान हुई वो लड़का हुआ, तो वो लड़का क्या कहलाएगा? तित्रा। वही इसके ठीक उलट तित्री, तीन पुत्रों के बाद, मतलब कि शुरुआत में तीन लड़के हो, पहला लड़का हो, दूसरा लड़का हो, तीसरा लड़का हो, और जो चौथी संतान हो वो पुत्री हो, लड़की हो, तो वो लड़की क्या कहलाएगी? तित्री। मतलब कि तीन पुत्रियों के बाद जन्म लेने वाला पुत्र तित्रा, और तीन पुत्रों के बाद जन्म लेने वाली पुत्री तित्री कहलाती, याद रखेंगे, तित्रा और तित्री। इसको जो है तेतरा और तेतरी भी कहा जाता है, तित्रा को तेतरा, तित्री को तेतरी, याद रखेंगे। उसके बाद है नोनी, नोनी का मतलब होता है छोटी बच्ची, कोई भी छोटी बच्ची होगी उसको क्या कहेंगे? नोनी। वही अगर कोई बच्चा है, मतलब कि लड़का छोटा बच्चा, तो उसको क्या कहेंगे? बाबू। उसके बाद है कैना, कैना जो है कन्या, मतलब कि कोई बालिका है तो उसके लिए कन्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? कैना, कैना। उसके बाद है कमिया, कमिया का मतलब होता है श्रमिक, मजदूर, घर घर में जो काम वाम करता है उसको भी कमिया कहेंगे, और जो ऐसी मजदूरी करता है उसको भी कमिया। उसके बाद है दुब्बर अथवा दुब्बर और पातर, ये जो है अलग अलग चीजें हैं, दुब्बर पातर। तो देखिए दुब्बर पातर, हालांकि दोनों लगता समान है, देखिए दुब्बर का मतलब होता है दुबला, मतलब कि कोई व्यक्ति दुबला है तो उसको क्या कहेंगे? दुब्बर। वही पातर, पातर मतलब पतला, कोई मतलब कि मान लो कोई पतली रस्सी है या कोई पतला लकड़ी है तो उसको क्या कहेंगे? पातर। उसके बाद है कपिला, कपिला जो है छत्तीसगढ़ी में काली गाय को कहा जाता है, कोई भी काली गाय है तो उसको क्या कहेंगे? कपिला। इसके अलावा जो काली गाय के लिए छत्तीसगढ़ी में कारी गाय का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कारी गाय भी कहा जाएगा, कारी, और इसके अलावा कपिला भी कहा जाएगा। उसके बाद है गरी, गरी का मतलब होता है जो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? गरी। उसके बाद है अम्मट,
अम्मट खट्टा को कहा जाता है, कोई भी खट्टी वस्तु है तो उसको क्या कहेंगे, अम्मट। उसके बाद है मैलहा। मैलहा ये मतलब कि कोई भी मैला, मान लो कहीं गंदगी है, कोई गंदा कपड़ा है, घर में गंदगी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे, मैलहा। उसके बाद है बिहनिया। बिहनिया का मतलब होता है प्रातः काल, मतलब कि सुबह का समय, भोर का समय, उसको क्या कहेंगे, बिहनिया। उसके बाद है मुंधियार। मुंधियार का मतलब होता है शाम का समय, मतलब कि सायंकाल, मतलब जब सूरज डूब रहा है और रात होने वाली है, तो उसको क्या कहेंगे, मुंधियार। और सुबह को, प्रातः काल को जब सूरज निकल रहा हो, हल्की सी रात हो, तो उसको क्या कहेंगे, बिहनिया। उसके बाद है पनियर। पनियर का मतलब होता है पानी जैसा पतला, जैसे कोई भी वस्तु हो जो पानी जैसा पतला हो, तो उसको क्या कहेंगे, पनियर। उसके बाद है पंचहर। पंचहर जो कि दहेज के रूप में दी जाने वाली पांच प्रकार के बर्तन को कहा जाता है, मतलब कि विवाह के समय में वधु पक्ष की ओर से पांच किस्म के बर्तन दहेज के रूप में दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पंचहर। उसके बाद है तिरिया। तिरिया जो है स्त्री को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। उसके बाद है गुदाम। गुदाम जो है बटन को कहा जाता है, जो शर्ट वर्ट में जो बटन लगता है, उसको क्या कहते हैं, गुदाम। उसके बाद है माड़ा। माड़ा का मतलब होता है मांद, मांद अथवा गुफा। माड़ा, हमने एक शब्द देखा था माड़ी, माड़ी का मतलब होता है घुटना, और ये क्या है, माड़ा। उसके बाद अगला है करपा। करपा जो है कटी हुई फसल को कहा जाता है, जो कटा हुआ फसल जो खलिहानों में रखा हुआ होता है, तो उसको क्या कहेंगे, करपा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी शब्द। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके पास जो भी छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तक हो, उसमें जितने भी शब्द दिए हो छत्तीसगढ़ी के, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।